हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके हैं कुछ ना कहो स्टेज ड्रामा के कवाली स्पेशल का रिएक्शन। एंड ये जो एक स्टेज ड्रामा है कुछ ना कहो, लाइक पाकिस्तान में ये स्टेज ड्रामास बहुत फेमस हुआ करते थे। हम जितना इसके बारे में पढ़ रहे थे, लाइक पहले बहुत ऐसे पसंद किया करते, इनकी सीडियाँ हुआ करती थी, लोग देखते थे और ऐसे इन्जॉय करते थे। लाइक पहले इतना टेलीविजन नहीं हुआ करता था, ये चीज़ें बहुत पॉपुलर हुआ करती थी। और मेरे को 110% पता है ये इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हुआ करता होगा, बिकॉज तब ऐसा होता था ना, दोनों साइड से एंटरटेनमेंट फ्लो होता होगा। तो लाइक हमारे यहाँ फिल्में जा रही है तो वहां से ये कॉमेडी शोज और ये सब आ रही हैं, तो वो हुआ करता होगा। लेकिन अब तो यार बहुत ज्यादा ही बंदिशें हैं और चीजें हैं, सो देखते हैं फिर ये क्या है। और मतलब मुझे नहीं याद है कि लाइक हम लोगों ने कोई ऐसे ड्रामा, आई थिंक हम लोगों ने ऐसे प्ले देख रखा है, पर मुझे सीरियसली प्ले देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और जब मैं स्कूल में थी तो मैं काफी ज्यादा प्ले में पार्टिसिपेट भी करती थी, मुझे बहुत ज्यादा मजा आता था एक्टिंग करने में। और इवन मुझे सिर्फ एक्टिंग, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं प्ले में लेती थी, पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन जब भी देखती थी ना तो भी मुझे देखने में भी बहुत ज्यादा मजा आता था। मुझे हमेशा ऐसा होता था यार अब क्या होएगा, अब क्या होएगा, आगे क्या होएगा। तो यार वो ना मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जो प्ले वगैरह को देखकर मजा आता है ना, वो टीवी वगैरह को देखकर कभी भी नहीं आएगा। और उस चीज की ना आप प्ले की जगह मतलब है ना इन रियलिटी शोज की जगह आप कभी ले ही नहीं सकता, कोई टीवी नेटफ्लिक्स सीरीज कुछ नहीं ले सकते। तो यार वो बहुत ही अच्छा टाइम था। बाकी हम पुराने टाइमों को याद करते हुए ये देखते हैं, तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली, भाई देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। हर पासे पैड़ा बैंगड़ लगा रखे, इतनी बड़ी सर काली कहना पे सुसर नीचे आओ, नीचे शाहरुख खान आया है। क्या है ऐसे कौन बात करता है? सुलेमान पुत्र पिंड त्रित हवा में पहुंच रहे ने, पर यार मैं तेरी शक्ल देख नहीं सकया था। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे रहन तो नहीं आया, सीने मैं सारी हयात करना इसलिए वाजा करा कि मेरा पुत्र पहू बन जाए, तो जे अज पहू बन गया तो मेनू दुनिया दसन की की लोड़ है। पहू वाजे ने बनाया वाजे ने, और नहीं भाई मैं फिर रह नहीं आया। पर एक गल याद रखी, पुत्र तो पुत्र हो जाते हैं पर मापे के मापे नहीं होते। बहुत बढ़िया बात बोलिए। अब्बा जी, अब याद आ गई, मेरे को बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं अपने आप भूल गया था। तुम तुसी इस कदी भी नहीं जाओगे अब्बा जी, मेरे नाल ही रहोगे। अच्छी हो मेरे पुत्रा, वाह देखो बसंते खान, और मेरे पुत्र के पुत्र होता हक दा कर गई। बसंते खान, हां पुत्र ओए तेरा तुर फटे को जान किया है, फड़वा के छटे ना कोई गल नहीं, मैं फड़या गया तो फिर की होया आओ।
ओ कवाली चालू राणा साहब वापस आ गए। वाह 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 यार, कितना टैलेंटेड है यार ये। वाह यार, ये तो एक्चुअल सिंगर है। दिल हो गया सीरियस ट्रेजेडी। ये दिल हो गया। चंगा वाला आहा सोचे ऐसी ढोल की नू हाथ नहीं लाना। बहुत बढ़िया यार। ये दिल हो गया क्या लिरिक्स लिखे हैं यार। कितने लगी साढ़े घर क्या रोस्ट किया यार। मैं ऐसी आग लगी वाह क्या कमाल की कवालियाँ थी ये, मतलब सुन के ही मज़ा आ गया। और इस तरीके से था पूरा का पूरा, वहाँ पे एक अलग से एक प्यार बरसाया हुआ था, क्योंकि वो उनका जो बताने का तरीका था कि भाई जो लास्ट का ही जोक था वो क्या था कि दिल लगी मैं ऐसी आग लगी ये हो गया, तो लाइक
यार वो ये पता, ये वो टाइम ही अलग था जब आपका कोई रेसिज्म नहीं, कुछ नहीं, आप मजे से एक दूसरे के ऊपर जोक्स बनाओ और उनको जोक्स की तरह ही लिया जाएगा, कोई भी ऐसा आपसे नाराज नहीं होगा, सब वैसा होगा, ये वो टाइम ही अलग था। अब तो कैसा है, कुछ भी अगर थोड़ा ऐसा वैसा बोल दो तो हो जाता है कि यार आप ऐसे पे जोक लगा रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, पर वो टाइम, उस टाइम पर आप जो जैसे जोक्स बनाना चाहो करो। एंड कैसे वो कव्वाली लेके बैठ गए और फिर वो कैसे, मतलब वो सुर कितना अच्छा पकड़ते वो जो थे, और वो पकड़ते पकड़ते फिर वो अपनी लाइनें बीच में जोड़ रहे, दैट्स टू मच ऐसे करके बोल रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे साथ में अजीजी भी बैठे हैं, वो भी इतने मजे तरीके से वो जोक्स मार रहे थे, तो सबके सब, और ये उनसे पहले जो आया था उसमें भी वो लोग लाइक, जैसे वो औरत थी तो वो उसको कहता है कि तू, वो जो कह रहा था कि तू काली है, तो वो कहे मैं काली, तू क्या है, तो वो फिर उसके बाद वो और पैनिक हो रहा है, और उसकी बीवी जो थी वो और ज्यादा हॉरेंडस, वो जाके ऐसे बुला रही है कि अक्षय कुमार आ जाओ, तो बहुत फनी था ये। सीरियसली बहुत ज्यादा अच्छा था, और मतलब मुझे भी वही लगी यार, पुराने टाइम की ना बात ही कुछ अलग थी, जैसे हमने ये देखा तो बहुत ज्यादा अच्छा था, और ऊपर से बहुत ज्यादा टैलेंट था इसमें। आप देखोगे कि ना सिर्फ एक तबले का ही यूज हो रखा है, बाकी कुछ भी यूज नहीं करा, स्टिल ही हमें इतना अच्छा लग रहा है। और आजकल के आप नॉर्मली गाने देखोगे, ठीक है, उसमें इतने ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक यूज होता है ना, और इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो जाते हैं कि कोई बेसुरा भी गा रहा होगा ना तब भी गाना बहुत अच्छा लगता है। और ये जिस हिसाब से एंटरटेन कर रहे थे यार, वो बहुत ज्यादा अपने में बड़ी बात थी, और वो कहना पड़ेगा कि पूरी टीम इनकी बहुत बहुत ज्यादा टैलेंट थी, और स्पेशली वो कव्वाली वाला पार्ट बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी, टैलेंट था। आप अगर लिरिक्स की बात करो तो यार वो बहुत ज्यादा फनी भी थे, हालांकि बहुत ज्यादा फनी थी, जैसे बारबम ने कहा वो काले वाला पार्ट वो बहुत ज्यादा फनी था, वो और भी बहुत सारे पार्ट थे वो काफी ज्यादा फनी थे, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो एंटरटेनिंग भी बहुत ज्यादा थे, कि आप मतलब ऐसा तो कोई ट्रिगर नहीं कर रहे थे आप किसी को, कि किसी को बुरा नहीं लग रहा था, सब उसको मजाक की तरह ले रहे थे, इसी वजह से यार अभी ना ऑडियंस को भी अच्छा लगता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब जो स्टैंड अप होती है ना, आप देख लेना कि अगर उसमें आप ऐसे किसी के बारे में बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना इंसान मतलब खिंच जाता है, और ऐसा होता है कि यार अब हमारे को नहीं काम करना है तेरे साथ, ठीक है। लेकिन मतलब स्टिल इसमें मतलब वो बिल्कुल इतनी सिंपलिसिटी थी इस वीडियो में, लेकिन सी और मतलब ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, तो सीरियसली इस वीडियो को देखकर मजा आया भाई, बहुत ही ज्यादा हिलेरियस वीडियो थी, और एंड में जो कव्वाली थी ना उसे तो दिल लूट लिया और मजा ही आ गया। लाइक वो फिर से जरूर सुनूंगा मैं, और बहुत मजा आया। तो आप लोग कैसे लगा मुझे जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, और सब्सक्राइब करते बाय। जाए।